हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है गर्मियों में मेकअप कैसे करें, लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखें और मेकअप काला होने से कैसे रोकें। सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं, सो लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। सो लेट्स गो स्टार्टेड। ओके गाइस, तो आपको कोई भी एक सीरम अप्लाई करना है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ब्यूटी बास्केट स्किन सीरम, आप देख सकते हैं। और मैं इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। आपके पास जो सा भी सीरम हो आप वही यूज कर सकते हैं। और मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ओके, तो अब हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, और मॉइस्चराइजर तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना आप। तो आपके पास जोन सा भी हो, निविया, लैक्मे, कोई सा भी हो, आप यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जॉय स्किन फूड का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा नेक पर भी अप्लाई करूंगी। अच्छी तरीके से आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। देन आप प्राइमर यूज करिए। प्राइमर भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप कोई सा भी प्राइमर यूज कर सकते हैं। बट मेरे पास यहाँ पे मैक का प्राइमर है, आप देख सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है गाइज, हमारा फाउंडेशन। और आप फाउंडेशन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट फाउंडेशन से ज्यादा मैं आपको बीबी या फिर सीसी क्रीम प्रिफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज करूंगी, और जिसका शेड है 01 ओरिजिनल। और मैंने इसका रिव्यू दे चुकी हूँ, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। और मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी, आप देख सकते हैं। ओके, और अब हम अपनी आईब्रोज फिल कर लेते हैं, जो कि मेरे पास है ये कलर क्वीन का पैलेट। और इसमें से मैं अपना, ये स्मोकी पैलेट है, इसमें से मैं अपना ब्राउन शेड, सॉरी ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स कर यूज करूंगी अपनी आईब्रोज फिल करने में। ओके गाइस, तो मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर ली है। और मैं अपने आप कंसीलर से इनको थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे कंसीलर है ब्यूटी बेरी का, और इसमें शेड है 04, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पहले शेक कर लेती हूँ, देन इसको अप्लाई करूंगी अपनी आईलेट पर एंड थोड़ा सा। ओके गाइस, अब हम थोड़ा सा आई शेडो कर लेते हैं। आई शेडो में आप अपने कोई भी अपने जो आपने आउटफिट पहन रखा हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग से आप मैनेज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे यूज करूंगी थोड़ा सा लाइट मेकअप, आई मेकअप। और यहाँ पे मेरे पास है कलर बोर्ड का ये आई शेडो पैलेट, और इसमें से मैं अपना कोई भी शेड एक पिक कर यूज करूंगी, एक नहीं दो। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी थोड़ा सा पिंक, और नहीं पिंक नहीं, रेड और येलो। तो रेड और येलो हमारे ऑरेंज वाले फोल्डर में, ये आप देख सकते हैं। इसमें से मैं अपना ये रेड एंड येलो यूज करूंगी इन दोनों को, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रश यूज कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का,
पे आप देख सकते हैं, और इसमें कोई कोई नंबर नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ओके, तो मैं ये रेड कलर पिक कर लेती हूँ अपने ब्रश पर, और आप देख सकते हैं कि स्मच में इतना सारा आ जाता है गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैलेट है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इस टाइप से अपने कॉर्नर से स्टार्ट करा है, आगे की साइड ब्लेंड करा है, और सेम इसी दूसरी आईज पर भी मैं ऐसी करूँगी। आप गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है आईज का मेरी, मतलब रेड एंड येलो मिक्स कर बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सा। ओके, तो अब हम लाइनर मस्कारा लगा लेते हैं। लाइनर मस्कारा में मैं अपना लाइनर है ओरोफ्लेम का यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा विंग लाइनर बनाऊँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैंने अपना हेयर स्टाइल भी कुछ अलग करा है, तो इस वजह से विंग लाइनर ठीक लगेगा उस पर, और आप देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं, और सेम दूसरे आईज पर भी मैं ऐसी यूज करूंगी विंग लाइनर बनाकर। वैसे आप देख सकते हैं मेरा दोनों लाइनर, और अब हम मस्कारा यूज कर लेते हैं। और पहले हम गाइस थोड़ा सा फिक्सर कर लेते हैं, क्योंकि आपको आप चाहें तो दो दो बार भी फिक्सर कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे फिक्सर कर रही हूँ। और मैं अपने ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा सा टैप टैप कर दूंगी। ओके गाइस, तो अब मैं अपनी वाटर लाइन पर थोड़ा सा अपना रेड शेड पिक कर वाटर लाइन पर यूज करूंगी। गाइस सच में मुझे आज का मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एक टाइप से आप सनसेट भी कह सकते हैं मेकअप, मुझे बहुत ही ज्यादा। ओके गाइस, तो अब हम कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मेकअप सेट करना है, और जिससे आपका मतलब पसीना आए तो ये थोड़ा कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये जब आपका फाउंडेशन या फिर आप बीबी या सीसी क्रीम जो भी अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ा सा मतलब उनको पिघलने नहीं देगा, जैसे मेकअप जो होता है पसीने के साथ साथ हो जाता है, तो इसके साथ जो पफ आता है मैं उससे ही इसको ले रही हूँ, और टैप टैप कर पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। मैं एक बार और अभी फिक्सर करूँगी। और ये थोड़ा मैटी फिनिश भी देता है आपके मेकअप में, और नेक पर भी आप जरूर अप्लाई करना। ओके, तो हमारा ये हो गया। आप चाहें तो अपना ब्रश की हेल्प से भी इसको यूज कर सकते हैं, बट मैंने इसमें पफ आता है, मैंने उसकी हेल्प से ही यूज करा है। ओके, तो अब हमारा आईलैशेस की बारी आ जाती हैं, और यहाँ पे मेरी आईलैशेस जो मैं हर बार यूज़ करती हूँ वही हैं, और अब ये जो सेक्सी वाली जो बची हैं अब ये भी ओवर होने वाली हैं, तो अब मुझे नहीं मंगाएंगे और यूज़ करेंगे। और मेरा ये रहा आईलैश ट्यूब, जिससे मैं हर बार यूज़ करती हूँ, और आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं आईलैश, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके आउटफिट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ।
ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरी आईलैश लग चुकी है और ये वाली थोड़ी सी कर रही है। ओके गाइस, तो हम जल्दी से अपना ब्लशर लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो चुका है। और ब्लशर यहाँ पे मेरा सेम। ओके, अब हाइलाइटर लगा लेते हैं जो कि मेरे पास है यहाँ पर हाइलाइटर रुमाना का, आप देख सकते हैं। और इसमें से मैं ये वाइट वाला ले रही हूँ और इसके पीछे यहाँ पे मिलर लगा पड़ा है। ओके गाइस, अब हमारा हो चुका है। और लिपस्टिक में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपनी फेस टच की मैटी लिपस्टिक, आप देख सकते हैं, इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो मैं एक बार और फिक्सर कर लेती हूँ और मेरा सेम हुडा ब्यूटी का। और इसको डैब डैब कर कर ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप से अपना मेकअप कंप्लीट करा है। आई होप आप लोगों को ये मेरा मेकअप अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय टाटा सी यू।